वेलकम टू नेक्स्ट पेपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, मैन बुकर अवार्ड, क्या आप भी कंफ्यूज हैं? जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि मैन बुकर अवार्ड, गोल्डन मैन बुकर अवार्ड और इंटरनेशनल मैन बुकर अवार्ड में क्या डिफरेंस है। काफ़ी स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में और वो कभी कभी गलत आंसर को भी टिक कर देते हैं। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। ओके, सबसे पहले हम जान लेते हैं मैन बुकर प्राइज के बारे में। ओके, तो ये जो मैन बुकर प्राइज है, ये स्टार्ट किया गया था 1969 में। 1969 में इसको स्टार्ट किया गया था यूके में। ओके, यूके में। और देता कौन है इसको? तो मैन एकेडमी देती है। ओके, मैन एकेडमी। अब इसके तीन कैटेगरियां हैं, अब हम वो कैटेगरी जान लेते हैं। तो इसकी जो सबसे पहली कैटेगरी है, जो 1969 में ही शुरू की गई थी, वो है द मैन बुकर प्राइज। ओके, द मैन बुकर प्राइज। सेकेंड कैटेगरी जो है इसकी, जो 2005 से शुरू की गई थी, वो है द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। एंड द थर्ड कैटेगरी इज गोल्डन मैन बुकर प्राइज, जो कि 2018 में सबसे पहला गोल्डन मैन बुकर अवार्ड दिया गया है। मैन बुकर अवार्ड की 50वीं एनिवर्सरी पर ये गोल्डन मैन बुकर अवार्ड दिया गया है। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। आइए, तो जैसे कि मैं आपको स्थापना तो इसकी बता ही चुकी हूँ, इसकी स्थापना 1969 में यूके में हुई थी। ओके, किस लिए दिया जाता है? अब ये मेन पॉइंट है, किस लिए दिया जाता है? तो द मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन इज ए लिटरेरी प्राइज अवार्ड। ओके, लिटरेरी अवार्ड है ये, और इट इज़ अवार्डेड एवरी ईयर फॉर द बेस्ट ओरिजिनल नॉवल रिटन इन इंग्लिश। मीन्स एवरी ईयर दिया जाता है इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हुए नोबल को। ओके, और इसकी जो प्राइज मनी है वो है 50,000 पाउंड की। यूके की जो करेंसी है क्या है? वो पाउंड स्टर्लिंग है। तो 50,000 पाउंड स्टर्लिंग दिए जाते हैं इस अवार्ड को जीतने वाले को। ओके, इसकी लोकेशन, तो लोकेशन जो है ये कहाँ पर दिए जाते हैं, मीन्स तो ये दिए जाते हैं गिल्ड हॉल लंदन में। ओके, गिल्ड हॉल नाम का एक जगह है लंदन में, यूके में। ओके, आई होप कि अब आप सब कुछ जान गए होंगे इसके बारे में। तो अब हम मैन बुकर प्राइज़ के बारे में बात कर लेते हैं। 2018 का मैन बुकर प्राइज़ किसको मिला है? 2018 का मैन बुकर प्राइज़ मिला है मिल्क मैन नोवल के लिए, एन्ना वंस को। नोवल का नाम है मिल्क मैन और नोवल के राइटर हैं एन्ना वंस। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मैन बुकर अवार्ड जो मिला है, इसके पीछे मिल्क मैन के पीछे मैन आ रहा है ना, तो ये मिल्क मैन को मिला है मैन बुकर, मैन बुकर मिला है मिल्क मैन को। ओके, इसकी राइटर हैं एन्ना वंस। आगे बढ़ते हैं हम, गिवन वाई मैन ग्रुप पे लिखा हुआ है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, गिवन वाई मैन ग्रुप। अब बात कर लेते हैं मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2018 की। ओके, तो ये मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज जो है, ये सन 2005 से शुरू किया गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है ऊपर। ये 2005 से स्टार्ट किया गया है, और ये किस लिए दिया जाता है? जो मैन बुकर अवार्ड था वो तो केवल इंग्लिश में लिखे हुए नोबल को ही मिलता था, इंटरनेशनल लेवल पे मिलता है ये अवार्ड। ओके, तो इंटरनेशनल लेवल पे इंग्लिश में लिखे हुए नोबल को मिलता था, लेकिन सन 2005 से बेस्ट बुक इन इंग्लिश ट्रांसलेशन, मतलब किसी भी लैंग्वेज की बुक हो बस वो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड हो, तो अब 2005 से उसको भी दिया जाने लगा। तो अब ये जो 2018 का मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज है, ये मिला है फ्लाइट के लिए, फ्लाइट के लिए ओल्गा टोकरजुक को। 2018 का मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज फ्लाइट नोबल के लिए ओल्गा टोकरजुक को मिला है। अब इसको कैसे याद रखें? तो मान लीजिए कि कोई विदेश जा रहा है तो किससे जाएगा? इंटरनेशनल फ्लाइट से जाएगा ना वो, बस आप इस चीज़ को याद रखिए, इंटरनेशनल फ्लाइट।
तो इंटरनेशनल प्राइज जो मिला है वो फ्लैट के लिए ओल्गा टोकरजुक को मिला है। ओके आगे बढ़ते हैं, आगे है गोल्डन मैन बुकर प्राइज। तो ये गोल्डन मैन बुकर प्राइज जो है ये तो सिर्फ इस बार ही दिया गया था 2018 में, आगे शायद अभी नहीं दिया जाएगा बिकॉज ये वन टाइम के लिए ही दिया गया था 50वीं वर्षगांठ पे। मैन बुकर प्राइज की 50वीं एनिवर्सरी मनाने की खुशी में ये दिया गया था इस बार ये मैन बुकर गोल्डन मैन बुकर प्राइज। तो ये दिया गया था द इंग्लिश पेशेंट के लिए। क्या नाम है नोबल का? द इंग्लिश पेशेंट। और इसके राइटर कौन है? माइकल ओंडा टेजे। माइकल ओंडा टेजे इसके राइटर हैं। ओके तो आई होप कि आपको ये मैन बुकर अवार्ड्स का कन्फ्यूजन अब आपका दूर हो गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। ओके थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।